डियर स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे प्रपोजिशनल फ्रेज डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है कि किस तरह हम प्रपोजिशनल फ्रेज डिवेल्प करते हैं और किस तरह लैंग्वेज के अंदर उनको हम यूज़ करते हैं अ प्रपोजिशन रिलेट्स द नाउन अ प्रो नाउन फॉलोइंग इट टू अनादर वर्ड इन देंटेंस तो प्रपोजिशंस क्या करती है कि ये सेंट सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को आपस में रिलेट करती है जोड़ती है उनके रिलेशनशिप को बताती है कि किस नोयत का रिलेशनशिप है उनमें और तो चॉइस ऑफ प्रपोजिशन अफेक्ट्स द वे द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस रिलेट टू ईच अदर तो ये उनके रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट करती है बताती है उसके बारे में कि किस तरह दूसरे वर्ड्स आपस में रिलेट हो रहे हैं और उस तरह कर रहे हैं सो प्रपोजिशन डिवेलमेंट अगर हम स्टूडेंट्स की जो एज डिवेलपमेंट के हिसाब से हम देखें तो कैसे होगा वन टू टू ईयर्स में फॉलो सिंपल डायरेक्शन इन ऑन अप एंड डाउन यूज अप डाउन ऑन इन एंड अंडर तो ये इस, इस साल यानी वन टू टू ईर्स में जो चाइल्ड है वो ये प्रपोजिशन uh, यूज़ करता है फिर टू टू थ्री ईयर्स में अंडरस्टैंड uh, इन ऑफ़ ओन अंडर आउट ऑफ और टुगेदर एंड अवे फ्रॉम फिर इसी तरह थ्री टू तो फोर ईयर्स में सो अंडरस्टैंड नेक्स्ट टू बिसाइड्स एंड बिटवीन और यूज बिहड इन फ्रंट एंड अराउंड और इसी तरह फोर टू फाइव ईयर्स में अंडरस्टैंड डिफरेंट नीयरस्ट एंड थ्रू और फाइव टू सिक्स ईयर्स में जो चाइल्ड uh, है वो कौन सी फ्रेजेस यूज़ करता है सो अंडरस्टैंड अपोजिट्स टच एज ओवर अंडर यानी जो आपोजिट्स uh, हैं उनको भी वो समझ लेता है ये और यूजिस थ्रू नियरेस्ट और कॉर्नर मिडल ठीक है तो ये इस तरह हम हम प्रपोजिशन जो फ्रेज है ऐज की uh, की ग्रोथ के साथ यानी एज के बढ़ने के साथ साथ जो लैंग्वेज स्टूडेंट बच्चे की डेवलप होती है तो उसमें मैंने अभी आपको बताया ये अ प्रपोजिशन फ्रेज क्या होती है इज़ अ वर्ब इज़ अ वर्ड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगेंस विद अ प्रापोजिशन एंड विद अ नाउन आर प्रोनाउन तो ये ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस होती हैं जो वर्ड्स जो प्रोनाउंस uh, जिनके आखिर पे एंड होते हैं जो इनसे प्रोनाउंस uh, वगैरह और नाउन्स जो एंड होते हैं सो इट इज कार्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रापोजिशन तो इसमें ये जो है जो नाउन और प्रोनाउन्स हैं वो प्रापोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं सो प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन आर अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स तो कौन से हैं जैसे इन ऑन अंडर विद बाय एंड टू इसकी मजीद डिवेलपमेंट में हम देख सकते हैं इसके यूज़ में प्रपोजिशन प्लस मॉडिफायर एस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और इज इक्वल टू प्रापोजिशनल फ्रेज तो प्रपोजिशनल फ्रेज कैन बी यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ये एडिशनल यानी इजाफी मालूम देती है अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस सेंटेंस के अंदर और फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑन द शेल्फ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द बुक इज लोकेटेड ठीक है या बुक ऑन द अंडर द टेबल या ग्लास वाटर इज़ ऑन द टेबल तो इस तरह ये प्रपोजिशन जो है हमें बताती है प्रोनाउन के बारे में आ, या नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है प्रपोजिशन प्रपोजिशनल फ्रेज़ के बारे में हम मजीद बात करते हैं कैन ऑल्सो बी यूज एज एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस तो किसी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है

द चाइल्ड वॉक टू द स्कूल स्लोली या द चाइल्ड रन फास्टली वो तेजी से भाग रहा है या स्लोली जा रहा है तो ये क्या है ये ऐड एड वर्ब है ये वर्ब के मीनिंग में एड कर रहा है अब इस डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल्स को हम इन ऑन एट ये एग्जाम इसकी जो है इसमें डिफरेंट जो है उसके यूज में है लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा इसको पहले इसको डेफिनेशन के लिहाज से हम अंडरस्टैंड करें तो प्रे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैन बी डिवेल्प बाई यूजिंग डिफरेंट प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रपोजिशंस सो इन द बॉक्स ऑन so, द टेबल अंडर द बेड ये ये सब क्या हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेज हैं तो कुछ और फ्रेजेस को हम देखते हैं जैसे इन के साथ इन टाइम इन डिमांड इन ऑफ फोकस इन ऑफ पैरिसन इन ऑफ सीजन इन ऑफ स्टॉक इन ऑफ टच वगैरह इस तरह ऑन ऑन एवरेज ऑन बॉल तो क्या कर रही है कि ये डिफरेंट प्रपोजिशन दूसरे के साथ मिलकर मीनिंग्स में जो डिफरेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं और डी मीनिंग्स को चेंज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बोर्ड और ओन बिजनेस ऑन क्रेडिट ऑन डिस्प्ले और ऐट के साथ अके ऐट एनी कॉस्ट ऐट एनी रेट तो यानी ये क्या है ये फ्रेजेज़ डिवेल्प कर रहे हैं ई डी एम्स की शक्ल दे रही हैं जो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेजेज़ हैं जब ये दूसरे उन वर्ड्स के साथ यूज़ होंगी बेस वर्ड्स हो सकते हैं या दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं उनके साथ मिल के तो ये ई डी एम्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं या दूसरी फ्रेज़ की बना लेती हैं प्रपोजिशनल uh, फ्रेजेस का इस्तेमाल हम ग्रामर में कैसे करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ प्रपोजिशनल फ्रेज करेक्टली इन ऑर्डर टू कन्वे क्लियर एंड करेक्ट मीनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज यानी सेंटेंसेस की करेक्ट जो सेंस है उसको कन्वे करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में uh, इसका प्रपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये uh, हमें डिफरेंट वर्ड्स के दरम्यान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रपोजिशन का यूज़ और उनका समझना भी ज़रूरी है और उनके ऑब्जेक्ट्स uh, का विद डिफरेंट यूज़ ऑफ़ प्रपोजिशनल फ्रेज कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी तो आपकी लैंग्वेज की जो महारत है उसमें भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल मसलन आप ज़्यादा एडियम्स आप यूज़ करते हुए तो ईडियम्स में भी आप प्रपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं तो इससे आपकी मतलब है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशनसी आपकी लैंग्वेज में महारत में इजाफा होता है